हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 19 तारीख है, छठा महीना 2023, और इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं। और आज हम अपना एनालिसिस करेंगे डेली का, जो पेयर्स वीकली एनालिसिस में नहीं किए थे आज उनको करेंगे। वो वैसे के वैसे ही, ज़्यादातर कुछ चेंज नहीं हुआ है गोल्ड वगैरह में, इसलिए हम उनको आज नहीं कर रहे। आज हम ऑड JPY, ऑड USD और बाकी जो ये पेयर हैं जितने, इनको देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑड JPY, इसको देख लेते हैं। डेली में जाते हैं तो इसके अंदर वही आपको मैंने बताया था जब कि मार्केट जो है एक ट्रेंड की शक्ल में होती है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे देखें, हायर हाई, ठीक है, लोअर हाई एंड हायर हाई एंड लोअर हाई, ठीक है। अब मार्केट क्या बनाएगी, जब यहाँ प्रीवियस हाई लो ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर भी प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक हुआ, और मार्केट यहाँ पे देखिए उठी किस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हाई जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो हमने जो सेल है वो इसके ऊपर ही ज़्यादा ढूंढनी है, उस इससे पहले हमने बाय ही ढूंढनी है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर, फिबोनाची का यूज़ करते हैं। अच्छा जी, 100% पे मार्केट जाने वाली है, 70 से भी ऊपर हो चुकी है, और यहाँ पर हमारे पास जो सप्लाई है डेली के अंदर वो ये वाला है, ठीक है, 100.025, ठीक है। फिलहाल हम करंट जो सिनेरियो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हम जो है बाय के अंदर जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर और JPY सर्च भी करें, ये देखें बहुत ज़्यादा बाय के अंदर है, जो कि हमें टेक्निकली दिख भी रहा है। तो हम डायरेक्ट जो है वो H1 पे आते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर हम देख लें, अगर स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर कोई H4 में स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आता है तो। अच्छा जी, लाइन चार्ट पे हम देख लेते हैं। इस लेवल ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ आज बनाऊँ, मैक्सिमम लेवल की जो ट्रेडिंग होती है लेवल की। आप में तो काफ़ी लोगों के कमेंट हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा, बल्कि पिछली दफ़ा नहीं, रिसेंटली जो हमने यूरो USD में ट्रेड की थी वो बड़ी कमाल की गई थी लेवल ट्रेडिंग में। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हमने की है, तो काफ़ी लोग जो नए सब्सक्राइब इन्होंने किया है वो काफ़ी हैरान हो रहे थे कि ये कैसे आपने किया। तो मैंने सोचा इस हवाले से वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस हवाले से वीडियो बना। तो ये एरिया हमारे पास आ गया है निकल के, हमने इसके नीचे बाय देखनी है। H1 पे आते हैं तो यहाँ पे भी फ़िलहाल मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सेल के अंदर मार्केट जा सकती है, लेकिन यहाँ पर सेल का कोई तुक बनता नहीं है। बहुत ज़्यादा मार्केट जो है सेंटिमेंट क्या कहते हैं बाय में, यानी मार्केट के जो सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी मार्केट ऊपर की तरफ SL उनके हिट करेगी। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सच कोई एरिया है नहीं, ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट हैं, पिवट पॉइंट जिनको हम कहते हैं, ठीक है, ये वो एरियाज हैं और इनको मार्केट जो है हिट करेगी। हम 30 मिनट में यहाँ पे मुझे एक एरिया नज़र आ जाए, ये वाला है, ये वाला एरिया बहुत अच्छा होता अगर इसका इम्बेलेंस इस तरह का होता, ये वाला एरिया हो सकता है मार्केट यहाँ से चली भी जाए, लेकिन हम इस एरिया को मार्क करेंगे। अच्छा, ये तो टेस्टेड है, सही है, स्टिल इसी को मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट ने जस्ट इसका विक टेस्ट किया हुआ है। इसके नीचे एक इम्बेलेंस है, फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं लाइन की शक्ल में मार्क कर रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, SL एंटिंग हो सकती है, यहाँ तक इस फेयर वैल्यू गैप तक मैं लिख लगा देता हूँ यहाँ पर FVG, ठीक
ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ताकि आपको जहन में रहे। तो एफ ए जी गैप का जो एरिया है, यहाँ तक ऐसे लेंडिंग हो सकती है, अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे पास इंड्यूसमेंट भी मौजूद है, ठीक है। सेल ना करें तो बेहतर है, वरना इससे नीचे सेल बन सकती है छोटी मोटी, लेकिन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि बिल्कुल ट्रेंड के अगेंस्ट जाएगी वो, ठीक है। 95.688 ये एरिया रहेगा इसका, और हम यहाँ तक के लिए इसको मार्क करते हैं 95.35। अगर आपको यहाँ से भी मिलती है ट्रेड तो इसका एसएल जो है वो नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑड जेपीवाई और जी यूएसडी। अच्छा जी, और जी यूएसडी के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा बाय के अंदर है, इसका भी डेली हमें देखना पड़ेगा। ये एरिया मार्क किया था मार्केट, कुछ हुआ ही नहीं इसका। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने एक ये हायर हाई बनाया और एक ये लोअर हाई मार्केट ने बनाया। अगर इंट्रा ट्रेंड की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे सिर्फ हाई बनाया हुआ है, और यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया, यानी मार्केट को मैं यहाँ पर इस वाले एरिया को ब्रेक किया, यानी ये वाला हमारा क्या हो गया, लोअर हाई, ठीक है। कन्फर्म जब होगा, जब ये एरिया ब्रेक हो जाएगा ऊपर वाला, और ये ब्रेक होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी से भरा हुआ एरिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, हमने नीचे की तरफ देखना है। ठीक है जी, H1 में आते हैं। H1 में हमारे पास ये तो बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर डिमांड दिख रही है, ज़रूरत नहीं है देखने की। हाँ मैम, हमारे पास ऑलरेडी वाला एरिया में यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। और SL इसका कम हो सकता है अगर यहाँ तक मार्केट आती है, ठीक है। और मार्केट जो अभी रिजेक्शन देगी वो इस एरिया से मार्केट रिजेक्शन दे सकती है। यहाँ पर हमारे पास ठीक है BOS भी मौजूद है, इंड्यूसमेंट भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और ये वाला एरिया 0.68817, 0.67867, ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। इसका जो हमारे पास TP रहेगा वो ये वाला रहेगा। अच्छा, ये सेल करने के लिए नहीं है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, अदरवाइज आपने यहाँ से सेल नहीं करना है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसको भी ब्रेक कर देती है, आपका ये वाला एरिया एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑजी यूएसडी कैट सी एच एफ लेते हैं। अच्छा जी, कैट सी एच एफ में क्या चल रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन के अंदर है, डाउनफॉल में, लोअर लो, लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो। यहाँ पर कैट सी एच एफ सेल के अंदर है, हमें दिख रहा है, ट्रेंड से ही पता लग रहा है और सेंटिमेंट भी हमें बता रहा है। तो सेंटिमेंट आपको पता लग गया कि सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन टूल के लिए होता है, बाकी मार्केट उसी को फॉलो करती है जो ट्रेंड में चल रहा है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको देख के अपने ट्रेड प्लान करें। नेट को क्या हो गया। अच्छा जी,
H4 में बहुत क्लासिक एरिया, बहुत प्यारा, इस तरह के एरिया मिल जाए तो क्या ही बात है। ये वाला एरिया H4 में, इसके नीचे जो ये लेवल्स बने हुए ये बड़े कमाल। तो ये एरिया है हमारा H4 का सेल का 0.6824। यहाँ से अगर सेल मिल जाए ना तो मतलब क्या ही बात है, आराम से स्टैंडर्ड लॉट लगा के भी थोड़ी सी कंफर्मेशन पे सेल की जा सकती है। लेकिन यहाँ तक मार्केट H4 है, शायद ना है। H1 में जाते हैं, H1 में देखते हैं कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है हमारे लिए। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी कीमत बता दूँ 0.6841। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पर एक साइडवे के अंदर मार्केट चल रही है जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इंट्रा ट्रेंड के अंदर ट्रेड लेने की कोशिश करें तो फोर्स करने वाली बात होगी अगर यहाँ पे मैं कोई एरिया मार्क करता हूँ। M13 पे देखते हैं क्योंकि हमने सेल मार्क करना है, इसलिए सेल को हम देखते हैं। आई डोंट नो इंटरनेट को क्या हुआ, खुल गया। अच्छा जी, स्टिल कोई खास एरिया मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लास्ट 15 मिनट में चेक कर लेते हैं। पंद्रह मिनट में भी कोई ऐसा एरिया मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। ये वाला लेवल जरूर है। हाँ सही है, या ठीक है। बिल्कुल फ्रेश एरिया ये है, इसका बेसमेंट पॉइंट। और हमें अब जरा थोड़ी सी बाय भी देखनी पड़ेगी यहाँ पर। बाय अवॉइड करें तो बेहतर है, सही है। हाँ, बाय कोई क्वालिटी एरिया है यहाँ पे, इस जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ तक पता नहीं मार्केट आया नहीं आया। मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि मार्केट का ट्रेंड में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, तो ये मार्केट ब्रेक कर जाएगी, इसलिए इतनी नीचे की बाय तो अवॉइड करें हम। ठीक है, तो बाय इसमें अवॉइड ही करनी है मेरे भाई। सेल की तरफ यहाँ पे अगर मार्केट आती है देन ओके, अदरवाइज फिलहाल इससे नीचे कोई ऐसा सेल का एरिया रूल के ऊपर हमारे नहीं उतरता जिसको हम मार करें। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।